Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, student. I am Professor Nisar Ahmed Nisar, and you are watching my YouTube channel Chemistry Super King. Dear student, आज हम बात करेंगे एक मरतबा फिर ईटा एम डी कैट नीट और जी सीरीज से. आज हमारा आर्टिकल है दैट इज बॉयलिंग एंड बॉयलिंग पॉइंट. तो स्टूडेंट पहले हम बात करेंगे बॉयलिंग के ऊपर, फिर बात करेंगे बॉयलिंग पॉइंट के ऊपर, बॉयलिंग पॉइंट के फैक्टर्स के ऊपर, अप्लीकेशन के ऊपर, और एट द एंड कुछ ईटा एम डी कैट नीट बेस एम सी क्यूज आपको सॉल्व कराऊंगा. इसलिए आपने ये मेरी वीडियो एंड तक देखनी है और समझने की कोशिश करनी है. तो स्टूडेंट बॉयलिंग क्या होती है? किसी लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना. जब उस लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए उसको आप बॉयलिंग कहते हैं. कन्वर्जन ऑफ ए लिक्विड एंड टू वेपर. व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर इज कॉल्ड बॉयलिंग. स्टूडेंट याद रखिएगा, आपसे एमसीक्यूज पूछा जाता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ बॉयलिंग, बॉयलिंग का कौन सा यूनिट होता है. ऑप्शन वन सेंटीग्रेड, ऑप्शन टू फारेनहाइट, ऑप्शन थ्री केल्विन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन ई नन ऑफ दीज. तो याद रखना बॉयलिंग का कोई यूनिट नहीं होता, वो यूनिट बॉयलिंग पॉइंट का होता है. तो स्टूडेंट क्या होता है, जब हम किसी लिक्विड को हीट करते हैं तो लिक्विड के अंदर स्मॉल बबल्स बनते हैं. फर्दर हीटिंग पे बबल के अंदर वेपर प्रेशर बढ़ता जाता है, और हीट करेंगे और बढ़ेगा. जब इन बबल्स के अंदर वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होगा तो ये बबल सरफेस पे आ जाएंगे और ये बबल ब्रस्ट ऑफ होंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू गैसियस फॉर्म और एटमॉस्फेयर में स्कैप हो जाएंगे. इस प्रोसेस को हम एक्चुअली बॉयलिंग कहते हैं. स्टूडेंट याद रखना बॉयलिंग से रिलेटेड कुछ फैक्ट के बारे में याद रखना. बॉयलिंग एक खास टेम्परेचर पे होती है. बॉयलिंग अक्कर एट स्पेसिफिक टेम्परेचर ओनली, जबकि ऑपरेशन हर टेम्परेचर पे हो सकती है. बॉयलिंग अक्कर बिलो द सर्फस, लिक्विड के अंदर सरफेस से नीचे बॉयलिंग होती है, जबकि एवपोरेशन इज सरफेस फिनोमेना. इसी तरह स्टूडेंट याद रखना बॉयलिंग एट बॉयलिंग हमारे पास बॉयलिंग पे लिक्विड का टेम्परेचर क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है. बॉयलिंग पे जब हम फर्दर हीट देते हैं तो हमारे पास लिक्विड का टेम्परेचर चेंज नहीं होता. तो आपके पास बार दफा एमसीक्यूज आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट बॉयलिंग. ऑप्शन वन होता है इट अक्कर एट ऑल टेम्परेचर, ऑप्शन टू होता है बॉयलिंग अक्कर एट द सरफेस, ऑप्शन थ्री होता है टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट एट बॉयलिंग ऑल ऑफ दीज. तो यहां पे ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन नहीं बनेगा, सी हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा कि बॉयलिंग पे लिक्विड का टेम्परेचर क्या हो जाता है स्टूडेंट, कांस्टेंट हो जाता है. तो अब स्टूडेंट मैं बात करूंगा बॉयलिंग पॉइंट की बात करूंगा. अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब इट राइट नाउ, शेयर विद फ्रेंड, लाइक इट, डू आस्क एनी साइड ऑफ क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन एंड आल्सो गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन. स्टूडेंट इस चैनल को प्रमोट करने में आपने मेरा पूरा साथ देना है, क्योंकि मैंने केमिस्ट्री सुपर किंग फाउंडेशन बनाई है. इस चैनल की इनकम आना स्टार्ट हो चुकी है. इससे जितना भी पैसा आएगा, जितना भी रेवेन्यू इकट्ठा होगा, उसका 50% केमिस्ट्री सुपर किंग फाउंडेशन को जाएगा, जो कि एक नेक काज है. उस फाउंडेशन वाले पैसे को हम पुअर स्टूडेंट की वेलफेयर के लिए यूटिलाइज करेंगे. इसलिए भी आपने अपने आप को इम्प्रूव करने के साथ साथ इस नेक काज के लिए इस चैनल को प्रमोट करना है. स्टूडेंट बात करते हैं बॉयलिंग पॉइंट की बात करते हैं. बॉयलिंग पॉइंट क्या है? बॉयलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है, बॉयलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पे कोई लिक्विड बॉयल करना स्टार्ट करे. टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉयलिंग इज कॉल्ड बॉयलिंग पॉइंट. उसको मैं बॉयलिंग पॉइंट कहूंगा, या इसकी बहुत ही बेहतरीन डेफिनेशन है कि वो टेम्परेचर जिस पे किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए उस टेम्परेचर को बॉयलिंग पॉइंट कहते हैं. कि टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बिकम इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर इज कॉल्ड बॉयलिंग पॉइंट. बॉयलिंग पॉइंट को एक्सप्रेस किया जा सकता है सेंटीग्रेड, फारेनहाइट, केल्विन स्केल के अंदर. सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर केल्विन स्केल यूज किया जाता है
टू एक्सप्रेस द टेम्परेचर, यानी बॉइलिंग पॉइंट का जो टेम्परेचर है उसको केल्विन स्केल से एक्सप्रेस किया जाएगा। स्टूडेंट याद रखना, मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ऑप्शन वन मेरा है 0 सेंटीग्रेड, ऑप्शन टू मेरा है 50 सेंटीग्रेड, ऑप्शन थ्री मेरा है 98 सेंटीग्रेड, ऑप्शन डी मेरा है ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन ई मेरा है नन ऑफ दीज। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, याद रखिएगा स्टूडेंट, ए लिक्विड कैन बॉयल एट एनी टेम्परेचर, एक लिक्विड किसी भी टेम्परेचर पे बॉयल कर सकता है। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ऑल ऑफ दीज। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड डिपेंड्स ऑन द एक्सटर्नल प्रेशर, जब एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm हो उस वक्त लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसको नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर कैन बॉयल एट एनी टेम्परेचर डिपेंडिंग ऑन द एक्सटर्नल प्रेशर। हाँ, 100 सेंटीग्रेड 373 केल्विन इज द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ये स्टूडेंट क्या होगा, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होगा। याद रखना, जब किसी स्टूडेंट को हीट, जब किसी लिक्विड को हीट करते हैं, जब किसी लिक्विड को हीट करते हैं उस लिक्विड का वेपर प्रेशर बढ़ता जाता है, और हीट करेंगे बढ़ेगा। अब टेम्परेचर बढ़ने के साथ वेपर प्रेशर बढ़ेगा, एक वक्त ऐसा आएगा जब उस लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाएगा, उस स्टेज पे लिक्विड का वेपर बनाना क्या कराएगा, बॉयलिंग कराएगा। उस स्टेज पे जो लिक्विड का टेम्परेचर होगा उसको बॉयलिंग पॉइंट कहते हैं। याद रखना, बॉयलिंग पॉइंट पे लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। एट बॉयलिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड बिकम मैक्सिमम, फर्दर हीटिंग से लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती। यही वजह है कि बॉइलिंग पॉइंट जब अचीव हो जाता है उसके बाद मसलसल हीट करने से भी लिक्विड का टेम्परेचर चेंज नहीं होता। जो हीट बॉइलिंग पॉइंट के बाद हम सप्लाई कर रहे होते हैं वो सिर्फ लिक्विड मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैनिश करने में कंज्यूम होती है। तो बॉइलिंग पॉइंट पे टेम्परेचर चेंज नहीं होगा जितनी मर्जी आप हीट देते रहें। अब स्टूडेंट में बात करता हूं कि वो कौन से फैक्टर हैं जिन पे बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है जी। मेरा पहला फैक्टर है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। स्टूडेंट याद रखना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और बॉइलिंग पॉइंट का डायरेक्ट रिलेशन है। मैंने स्टार्ट में आपको पढ़ाया है कि ये पूरा चैप्टर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के गिर्द घूमेगा। स्टूडेंट, इस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपने ये चैप्टर नहीं देखा या उसकी कोई वीडियो नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं वीडियो, या डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है उसको क्लिक करके इस पूरे चैप्टर की वीडियो आप देख सकते हैं। अब स्टूडेंट, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होने से बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अब आपका एमसीक्यूज आता है कि किस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। पहला मेरे पास ऑप्शन होता है वाटर, दूसरा मेरे पास ऑप्शन होता है HF, तीसरा मेरे पास ऑप्शन होता है ईथर, चौथा मेरे पास ऑप्शन होता है कार्बन डाइसल्फाइड। किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? स्टूडेंट देखें, मेरे पास HF और वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इन दोनों में लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं। लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस वीक फोर्सेस हैं, तो इनके बॉइलिंग पॉइंट कम होंगे, इनके बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होंगे। इन दोनों में से हाइड्रोजन बॉन्ड HF में स्ट्रांग है, लेकिन एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर में ज्यादा है। तो इसलिए सबसे स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वाटर में होंगी, सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट वाटर का होगा। दूसरा स्टूडेंट, हमारे पास फैक्टर ऐसा कहते हैं एक्सटर्नल प्रेशर। याद रखना स्टूडेंट, एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ने के साथ वाटर का बॉइलिंग पॉइंट या किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा करता है। एक्सटर्नल प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट का कौन सा रिलेशन है? एक्सटर्नल प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट का क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, एंड वाइस वर्सा। स्टूडेंट, बाद दफा आपसे एमसीक्यूज पूछा जाता है, क्या एमसीक्यूज पूछा जाता है, बाद दफा आपसे एमसीक्यूज पूछा जाता है कि वेयर वाटर बॉयल एट मैक्सिमम टेम्परेचर, वेयर वाटर बॉयल एट मैक्सिमम टेम्परेचर। ऑप्शन वन कराची, ऑप्शन टू मानसेरा, ऑप्शन थ्री कैटू। कहां पे वाटर मैक्सिमम टेम्परेचर पे बॉयल करेगा? याद रखना, एल्टीट्यूड के साथ एक्सटर्नल प्रेशर कम होता जाता है। कराची में एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm है, जबकि मानसेरा में एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm से कम होगा
और केयर टू पे और कम होगा। तो कहां पे वाटर हाइएस्ट टेम्परेचर पे बॉयल करेगा? जहां पे एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा हो। तो एक्सटर्नल प्रेशर कहां पे ज्यादा है? कराची में ज्यादा है। तो एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ने से स्टूडेंट याद रखना, वेपर एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ने के साथ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा करता है। सी लेवल पे एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन होता है जी। अगर सेंटीग्रेड में बात करें 100 सेंटीग्रेड होता है जी। इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास मरी है, मरी हेल में एक्सटर्नल प्रेशर 0.921 atm होता है। कराची में एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm होता है, मरी हेल में 0.921 atm, जबकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 378 सेंटीग्रेड। स्टूडेंट माउंट एवरेस्ट पे एक्सटर्नल प्रेशर होता है 0.425, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होगा 345 केल्विन, या अगर हम सेंटीग्रेड में बात करें तो स्टूडेंट ये 72-73 के करीब बनेगा। बहुत ही सिंपल सी बात है, हमारे पास 72 सेंटीग्रेड बनेगा। तो अब आप देख लें एक्सटर्नल प्रेशर कम होने के साथ बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो गया, कम हो गया जी। अब स्टूडेंट बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ वेरिएशन इन बॉइलिंग पॉइंट विद एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर चेंज होने से बॉइलिंग पॉइंट में जो फर्क आता है, इसकी दो बहुत ही मशहूर एप्लीकेशन है। एक एप्लीकेशन है प्रेशर कुकर, एक एप्लीकेशन है वैक्यूम डिस्टिलेशन। स्टूडेंट मैं आपसे सवाल पूछता हूं, मैंने वाटर बॉयल करना है नॉर्मल कंटेनर में, आपका एमसीक्यूज हो सकता है, ये नॉर्मल कंटेनर है, ये मेरे पास कंटेनर है जिसके ऊपर क्या रखा हुआ है, जिसके ऊपर लेड रखी हुई है, ढक्कन रखा हुआ है, ये मेरे पास प्रेशर कुकर है, मैंने वाटर बॉयल करना है, कहां पे जल्दी वाटर बॉयल होगा? ऑप्शन ए नॉर्मल कंटेनर था, बी कंटेनर विद द लेड, सी प्रेशर कुकर। कहते हैं किस में वाटर जल्दी बॉयल करेगा? तो याद रखना नॉर्मल कंटेनर में वाटर जल्दी बॉयल करेगा। हां अगर यह पूछा जाए कि फूड कहां पे जल्दी कुक होगी, तो फूड प्रेशर कुकर में जल्दी कुक होगी, क्योंकि बॉयल होने के साथ फूड की कुकिंग का तल्लक नहीं है, फूड कुकिंग का तल्लक हीट कंटेंट के साथ है, हीट कंटेंट टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। मैं भी नॉर्मल कंटेनर में वाटर 100 पे बॉयल हो और लेड के साथ 101 पे हो, और प्रेशर कुकर में मैं भी 140 पे हो। अब जब ये 100 सेंटीग्रेड आएगा, इसका भी 100 सेंटीग्रेड आएगा, इसका भी 100 सेंटीग्रेड आएगा सेम टाइम पे, अगर तीनों को इक्वल अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, इसका जब 100 सेंटीग्रेड आएगा, इसका भी 100 सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा, इसका भी 100 सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा। अब स्टूडेंट इस पॉइंट को समझने की कोशिश करना, अब ये 100 पे बॉयल होना शुरू हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तीनों का हीट कंटेंट सेम होगा, चीज यहां तक बराबर कुक होगी। अब इसको जो हीट देते जाएंगे टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, इसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, इसका 101 के बाद फिर और नहीं बढ़ेगा, जबकि इसका फर्दर बढ़ता जाएगा, हीट कंटेंट ऐड होती जाएगी, इसीलिए प्रेशर कुकर में जो फूड होगी वो जल्दी कुक होगी। वाटर लेड बॉयल करेगा या लिक्विड लेड बॉयल करेगा, लेकिन चीज जल्दी कुक होगी। यहां से आपके लिए एक एमसीक्यूज बनाता हूं कि आपने फूड कुक करनी है, बाकी सारे फैक्टर सेम रखें, फूड कुक करनी है, कराची, मानसेरा और कैटू, कहां पे ज्यादा टाइम लगेगा? तो याद रखना कैटू पे ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि कैटू पे वाटर बहुत जल्दी बॉयल हो जाएगा, वाटर 75-76 के करीब बॉयल हो जाएगा, उसके बाद उसमें हीट ऐड नहीं होगी, जबकि कराची में 100 पे बॉयल होगा, मानसेरा में मैं भी 99 के करीब बॉयल हो। तो जितना बॉयलिंग पॉइंट बढ़ेगा उतनी चीज कम टाइम में कुक होगी, याद रखना। तो इसलिए बॉयलिंग पॉइंट कहां पे जल्दी आएगा, बॉइलिंग पॉइंट कहां पे जल्दी आएगा, जहां पे एक्सटर्नल प्रेशर कम हो। चीज कहां पे जल्दी कुक होगी, जहां पे लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो। तो अगर मैं आप पूछूं कि लिक्विड कहां पे जल्दी बॉयल करेगा, कैटू पे। फूड कहां पे जल्दी कुक होगी, कराची में। ये दो मुख्तलिफ बातें हैं, इन पॉइंट को समझने की कोशिश करना। तो दूसरी एप्लीकेशन होती है स्टूडेंट वैक्यूम डिस्टिलेशन। वैक्यूम डिस्टिलेशन क्या होती है, वो डिस्टिलेशन जो रेड्यूस प्रेशर पे की जाए उसे वैक्यूम डिस्टिलेशन कहते हैं। बाद हमारे पास ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनको जब उनके नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे हीट किया जाए वो डीकम्पोज हो सकते हैं। उनको डीकम्पोजिशन से बचाने के लिए उन वैक्यूम पंप की मदद से उनका एक्सटर्नल प्रेशर कम कर देते हैं। अब वो सब्सटेंसेस अब नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट से बहुत कम टेम्परेचर पर बॉयल हो जाती हैं, इस तरह वो डीकम्पोज नहीं होती। जिसकी स्टूडेंट हमारे पास बहुत ही मशहूर एग्जाम्पल है ग्लाइसरीन।
ग्लाइसरीन का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट 290 सेंटीग्रेड है, ग्लाइसरीन का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट 290 सेंटीग्रेड है। लेकिन जब 290 सेंटीग्रेड पे हम इसे हीट करते हैं तो स्टूडेंट इसके डीकम्पोज होने के चांस होते हैं। हम क्या करेंगे, इसका एक्सटर्नल प्रेशर 760 मिलीमीटर मर्करी से 50 मिलीमीटर मर्करी कर देंगे। जब इसका एक्सटर्नल प्रेशर बहुत कम कर देंगे तो अब स्टूडेंट क्या होगा, अब होगा ये, अब इसका बॉइलिंग पॉइंट रिड्यूस होकर 120 रह जाएगा। 120 सेंटीग्रेड पे अब ये डीकम्पोज नहीं होगा। अब ऐसी डिस्टिलेशन जो कम रिड्यूस प्रेशर पे की जाए उसे वैक्यूम डिस्टिलेशन कहते हैं। वैक्यूम डिस्टिलेशन के एडवांटेज क्या है, ये आपका ऑब्जेक्टिव होता है स्टूडेंट, याद रखना। ये टाइम सेव करेगी, ये क्या करेगी, कंपाउंड की थर्मल डिकम्पोजिशन को अवॉइड करेगी स्टूडेंट। ये क्या करेगी, ये फ्यूल सेव करेगी। तो याद रखना स्टूडेंट, हमारे पास मैंने आपको बात बता दिया कि एक्सटर्नल प्रेशर के साथ बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या होता जाता है, चेंज होता जाता है स्टूडेंट। हमारे पास एक छोटा सा लॉ है जिसे कहते हैं टोरंटन लॉ, छोटा सा लॉ जिसे कहते हैं टोरंटन लॉ, TRON, टोरंटन लॉ। अब स्टूडेंट ये टोरंटन लॉ क्या है, इस पे बात करता हूं जी कि व्हाट इज मीन बाय दिस टोरंटन लॉ। अब इसका एमसीक्यूज भी समझिएगा स्टूडेंट। बात करता हूं प्रोटन लॉ, प्रोटन लॉ क्या कहता है, प्रोटन लॉ कहता है रेशियो ऑफ हीट ऑफ वेपराइजेशन टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू 21 कैलोरी पर केल्विन पर मोल या 85 जूल पर केल्विन पर मोल। स्टूडेंट आपसे डायरेक्ट एमसीक्यूज होता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रोटन लॉ, प्रोटन लॉ की क्या वैल्यू होती है, या आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है प्रोटन लॉ इज द रेशियो बिटवीन व्हाट एंड व्हाट, ऑप्शन दिए जाते हैं। तो स्टूडेंट याद रखना इस रेशियो को हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड की रेशियो को एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। ये बात दफा आपका एमसीक्यूज हो सकता है कि एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन किसके बराबर है, तो वो इस के बराबर है, हीट ऑफ वेपराइजेशन डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट। हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होती है स्टूडेंट, हीट ऑफ वेपराइजेशन वो हीट होती है जो एक मोल लिक्विड को उसके बॉइलिंग पॉइंट पे गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड हो। स्टूडेंट इस वैल्यू को याद रखना। तो ये था मेरा बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की फैक्टर और एप्लीकेशन। एंड पे मैं इससे रिलेटेड एक दो एमसीक्यूज आपको सिखाता हूं। मेरा पहला एमसीक्यूज है स्टूडेंट, ए लिक्विड ऑफ हाई बॉइलिंग पॉइंट विल हैव, एक लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है, उसकी चीज क्या चीज होगी, लो वेपर प्रेशर। स्टूडेंट देखना, जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा मतलब उसमें अट्रैक्शन फोर्सेस स्ट्रांग है, तो वेपर प्रेशर लो होगा, ठीक है बात ये। स्टूडेंट हाई सरफेस टेंशन, देखें जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट हाई है उसमें अट्रैक्शन ज्यादा है, जब अट्रैक्शन ज्यादा है तो सरफेस टेंशन ज्यादा है, दो बातें ठीक हो गई हैं। तीसरी अगर आपको नहीं भी आती, बोथ एंड बी का ऑप्शन नहीं है, तो हम कहां पे जाएंगे, ऑल ऑफ दीस पे जाएंगे। लेस वोलेटिलिटी, जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है उसमें अट्रैक्शन ज्यादा है, जब उसमें अट्रैक्शन ज्यादा है तो उसकी वोलेटिलिटी कम होगी, तो ऑल ऑफ दीस स्टूडेंट पे ऑप्शन बनेगा जी। दूसरा एमसीक्यू स्टूडेंट मेरे पास कौन सा, वाटर मे बॉयल एट 120 सेंटीग्रेड व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर इज। अब स्टूडेंट अगर आपको कॉन्सेप्ट है कि वाटर 100 पे बॉयल करता है जब एक्सटर्नल प्रेशर 760 टार होता है, तो 120 पे बॉयल करने के लिए एक्सटर्नल प्रेशर 760 से ज्यादा होना चाहिए। यहां पे मैं देखता हूं 760 टार, 400 टार, 120 टार, 1489 टार, तो समझ जाइएगा कौन सा ऑप्शन आपका बनेगा, ऑप्शन बी बनेगा। अब स्टूडेंट मेरा आखिरी एमसीक्यूज आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, कौन सी चीज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड को अफेक्ट नहीं करती, चेंज इन अल्टीट्यूड, हाइट में चेंज। स्टूडेंट याद रखना, हाइट में चेंज होने से हाइट में चेंज होने से एक्सटर्नल प्रेशर चेंज होता है, एक्सटर्नल प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट का डायरेक्ट रिलेशन है, तो हाइट में चेंज होने से एक्सटर्नल प्रेशर चेंज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट अफेक्ट होगा। एम्प्योरिटीज याद रखिएगा स्टूडेंट, किसी लिक्विड में एम्प्योरिटी डालने से उसका बॉइलिंग पॉइंट बड़ा करता है, तो ये भी अफेक्ट करेगी। सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर, याद रखना सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर बॉइलिंग पॉइंट को अफेक्ट नहीं कर सकता,
सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर बॉइलिंग पॉइंट को अफेक्ट नहीं कर सकता। आप वाटर को सी लेवल पे बॉयल करें ग्लास के अंदर या बड़ी सी डिश के अंदर, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा। तो सरफेस एरिया सिर्फ ऑपरेशन को अफेक्ट कर सकता है, वेपर प्रेशर को भी अफेक्ट नहीं कर सकता। तो स्टूडेंट ये था आज का सेशन, उम्मीद है आपने चीज़ें सीखी होंगी। मैं जब आपको टॉपिक पढ़ाता हूँ टॉपिक में कुछ एमसीक्यूज कवर कर लेता हूँ और कुछ एट द एंड आपको एमसीक्यूज करा देता हूँ। ये सारे एमसीक्यूज मुख्तलिफ नेचर के होते हैं, इनको अपने पास नोट कीजिएगा, अपने पास हैंड्स बनाइएगा ताकि लेटर आना आपको ये काम आए। तो अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। थैंक यू वेरी मच।